हेलो एवरीवन, विश यू ऑल ए मेरी क्रिसमस। आपण मानू बड़दिन बहुत सारा शुभेच्छा और शुभकामना। स्पेशली आम बड़दिन निहाती केक् बनई था घरे, तो आज मुमती सिंपली आउ सहज उपाय आपण को कपकेक्स रेसीपी देखेबी। तेब चलतु देखा आज सिंपल कपकेक् रेसीपी। आपण यू जापे केक् के स्पंजी आते डेलीसीयस देखा। तेबे एक क्रिसमस रे एक केक बनांतु आउ आपनो फैमिली को खुआंतु। से मानु केमती लागिला मते निहाती कमेंट करी जणेबे। वीडियो टी को स्किप न करी फुल देखंतु। तेबे चालंतु स्टार्ट करिबा आजर रेसिपी कॉफी चोको कपकेक्स। तेबे इंग्रेडिएंट्स को नोट कर नियंतु। एठी मु गोटे कप क्षीर नेइची, गोटे कप एठी मु पाउडर सुगर नेइची, गोटे बड़ कप रे मु मेजर करी एठी मैदा नेइची, कोको पाउडर नेइची, बेकिंग पाउडर नेइची, एठी मु कंडेंस मिल्क नेइची, चोको चिप्स नेइची, किछि कॉफी नेइची, बटर नेइची, डेरी मिल्क रो गोटे छोटो पाउच नेइची आउ किछि खाइबा सोडा नेइची। एबे गोटे बाउल रे मु हाफ कप अराउंड गरम पानी नेइ जाइची। पानी टिके उसुम थिबा दरकार जहाद्वारा कि आमर कॉफी भल भाव मिसी जिवो। एबे सेथिरे आमे दुई चामच कॉफी पाउडर दे देबा। मु एटा ऑल इन वन रो नेची, आपण नॉर्मल कॉफी पाउडर भी नेई परिबे। एबे ताकु आमे उसुम पानी रे भल भाबरे फेंटी नबा। एठी देखंतु टोटल भल भाबरे मिसि जाइची। एबे सेथिरे मु दुई बड़ चामच कोको पाउडर आड कर दउची। रे देखंतु मु चामच पूरा फुल कर देथिली। एबे ताकु आमे गरम पानी रे भल भाबरे गोळेई नबा, जमती कि ता भितर कोनोसी भी लम्स न रहे। एबे देखंतु कोको पाउडर आमर भल भाव में मिसी जाइछि। एबे सेथिरे मु 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल ऐड करूछि। एठी मु बड गोटे बड कप मैदा पई 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल नेथिली। एबे सेथिरे मु हाफ कप रो दही ऐड करूछि। दही को मु भल भाव में फेंटी नेथिली आउ ताकु एबे तेल आउ आमर कोको पाउडर मिक्सचर सहित भल भाव में गोळेई नबा, जमती गोटे स्मूथ बैटर टे प्रिपेयर हो जीवो। एबे सेथिरे मु पाउडर सुगर ऐड करूची। एठी मु देखंतु हाफ कप रो पाउडर सुगर व्यवहार करूची, कारण ऑलरेडी मु सेथिरे कंडेंस मिल्क ऐड करी भी, सेथि पई मु चीनी रो क्वांटिटी टिके कम रखूची। जदि मते पछरे मीठा कम लगे तबे मु आउ किछि ऐड करी भी। एठी देखंतु मु हाफ कप अराउंड कंडेंस मिल्क ऐड करूची, ताकु मध्यम भल भाबरे गोळे नबा। कंडेंस मिल्क दबा द्वारा अमर केक बहुत स्पंजी हुए, तो आकु केबे भी स्किप करिवेनि। देखंतु एबे सब मिक्स हो गला। एबे आमे गोटे कप मैदा को भल भाव आमे छणा साहाज्य छाणि नबा। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर यूज करुची आउ एठी मु बहुत कम मात्रा रे खाइबा सोडा व्यवहार करुची। एबे ताकु भल भाव आमे छाणि नबा, जहाद्वारा कि ता भितरे जहा भी लम्स थिबो आमको अलग हो पार। एबे ताकु भल भाव गोटे डिरेक्शन रे गोळे नबा। एठी देखंतु भल भाव आम मिक्स कर नबा। जदि आमको क्वांटिटी टिके बहळिया लागिवो तबे आमे हेतिरे अल्प खीर मध्ये ऐड करि परिबा। देखंतु एई कंसिस्टेंसी आमर पूरा परफेक्ट थिला। मु आउ टिके पाणिया करिया पई एथिरे मु अल्प खीर ऑलमोस्ट 3-4 स्पून रो एठी खीर मु ऐड करली आउ ताकु आमे भल भाव गोळे नबा। खीर आमर भल भाव मिसि गले एबे सेथिरे मु चोको चिप्स ऐड करूची। एटा ऑप्शनल अच्छे, आपण एठी चोको चिप्स को स्किप के करि परिबे, बट चोको चिप्स पकेबा द्वारा चॉकलेट केक रो फ्लेवर टा आहुरी बढ़िया लागिवो। एबे देखंतु सब को मु भल भाव गोळे नेइची। एबे मु 4 कप नै जाइची, जोटा कि आम कॉफी किंवा जूस वगैरह पीऊ। एबे सेथिरे मु अल्प बटर देकिना ग्रीस कर नौची। आपण एटा ग्रीस नकले भी आराम से बाहरी जीवो, बट मु हल्का ग्रीस कर नेइची। एबे बैटर को सांगे सांग आम ऐड कर दबा, कारण बेकिंग पाउडर आ बेकिंग सोडा पड़ा द्वारा ता भितर जो बबल टा क्रिएट होइची ताकु अधिक समय बाहर रखिले से नॉर्मल हो जाए। सेथिपई सांगे सांगे मु एथरे ऐड कर दउची। आ ऑलरेडी मु आगरु 10 मिनट पूर्वरु प्रेशर कुकर को हीट कर देथिली। कप को आम अधा जाए फुल करिबा, काहेकि ना कपटा रे आमर केक टा राइज हबो, सेथिपई आम ताकु किछि स्पेस दबा। एबे देखंतु मु
चारोटी जाक कप्रे भल भाव आड करदे अलमोस्ट एटी हाफ आड कर देखु एबे देखु प्रेशर कुकर पूरा हिट होना अच्छी आमर केयरफुली आपण देवे देखु ये फ्लेम आमर लो रखि हाई फ्लेम रे जमा भी करेनि ये केयरफुली आपण करेंगे प्रेशर कुकर तले कि लुण दे आपण लुण जगह बाली यूज करेंगे तापर गोटे स्टैंड रखी एमती मुदेली एवं प्रेशर कुकर को तार व्हिसलटा को काढ़ीदे आक हाँपाई 25-30 मिनिट्स आम देद से भितर चलतु आम केक् दवापाई गोटे टपिंग टे प्रोसेस करवा ये गोटे सस्पैन में मुझे गोटे चामच मैदा नहीं जाती मुठी कोको पाउडर नहीं जाइए आउ गोटे चम्मच ये मुझे पाउडर सुगार नहीं जाइए एमती भल भाव में मुझे गोल एबे से थिरे मु हाफ कप क्षीर दे दोची आउ ताकु भल्लो भाबरे गोले ही गोटे बैटर प्रस्तुत कर नौची देखंतु भल्लो भाबरे आमर मिक्स हो गलानी एबे ताकु आमे हीट करिबा आ ताकु लो फ्लेम रे आमे बॉईल होबा को दबा गोटे क्रीमी एंड गोटे शाइनिंग टेक्सचर ते ता भितर आसी जिवो एठी आपण देखि पारुथिबे एबे से थिरे मु अल्प बटर ऐड कर देची बटर दबा द्वारा आउ टिके ग्लेज आसे एबे से थिरे मु किछि चॉकलेट दे दोची आपण कोनोसी ब्रांड रो डार्क चॉकलेट मध्ये व्यवहार करि परिबे मु एठी डेरी मिल्क नै जाई छी एबे ताकु मध्ये आमे भल भाबरे मिसै नबा देखंतु टिके समय ताकु आमे फुटिबा को छाड़ दबा एबे 30 रु 35 मिनिट हे जाई छी आम केक् को चेक करवा आप देख जापे केक् टेक्सचर केते सुंदर आउ केते सुंदर भाव से राइज करमको यही ही चको केक् दरकार थिला एबे गोटे टूथपिक साहाज्य आम चेक कर नबा जे केकटा भितर कुक है कि नहीं केक् आम परफेक्टली कुक एबे जो टॉपिंग आम प्रस्तुत करे आम केक् एमती गरम गरम देवे जोटा कि खाया पे बहुत बढ़िया लगे एवं तापर आम कि चको चिप्स एड करदे देखु केते सुंदर भाव में केते कम समय रे आउ बहुत कम इनग्रीडियंट सहित तो, आमर टेस्टी केक् टेस्टी कप केक् प्रस्तुत हो गला तेब आपको मुझे काटिकी देखा देखु केते सुंदर भाव में परफेक्टली कुक तो आप क्रिसमस रे निहात या बनातु आपण फैमिली रे निहाती या सर्व करूँ से कमती लगला मत निहाती जनइबे मुझे गोटे प्लेट रे काढ़ी आप देखा देखूँ केते इजिली भावे आमर केक टी काढ़ी तापर मुझे टॉपिंग ऐड करुच आशा करे मोर ये केक् रेसीपीटी आपको निहाती भल लगे जदि भल लगी थाए तेब गोटे लाइक करने को जमार भूलें मो चैनल नुआ थिले निहाती मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पाखे थिबा बेल आइकन प्रेस कर ऑल सिलेक्ट करेंगे जहाद्वारा कि मो वीडियो रो सब नोटिफिकेशन आपन को फास्ट मिलजिव तेबे आज पाई मते विदाय दियंतु मु पुणी आसीबी एमती गोटे नुआ रेसीपी सह से पर्यंत पाई बहुत बहुत थैंक यू जय जगन्नाथ एगेन आपन समस्तन को क्रिसमस रो बहुत सारा शुभेच्छा और शुभकामना।